टाइम। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वह समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसे अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे लेना देना क्या है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि वह इसी की बीमारी की वजह से मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, पता था ना उसके घर में कुछ भी पैसे थे। अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था, उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसा मांगा। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जलीकट्टी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसा आया, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुँचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारा इंसरेंटमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था।
डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले की नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। उसने कहने लगा, यह सब मेरी गलती है, मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैं अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो इससे, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करवा पाता, जिससे इसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप लोग को आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।